पहली गल तो यह करनी है कि जी दीप की गिरफ्तारी हुई है वो संबंध च कि दीप नाल मेरे हजार जे बखरेवे है मतभेद है बहुत सारिया यह गल् जिन्हों मैं सहमत नहीं है दीपतियों के नाल बहुत ऐसा मेरिया गल् दीप सहमत नहीं होगा किसान आगुआ दनेक गलों मैं सहमत नहीं है और मेरिया सहमत नहीं है ये बेचारा का बखरेवा जोड़ा वो चलता रहता है होना भी बड़ा लाजमी होंगे क्योंकि जिथे वक्खो वक्खरे बेचारा के लोग होंगे ने उत्थे सही जी कोई चीज़ आ होंगी है एक ही विचारधारा इकट्ठी हो जानी उत्थे भी गड़बड़ हो जाती है। सो पर मैं अज जी गल करनी चाहना कि किसान आगुआ मैं कहना चाहना कि हुण किसान आगुआ जिन्नियां भी साड़ियां गिरफ्तारियां हुई ने जिहड़े आगू साढ़े जिहड़े किसान साढ़े जेलां च बैठे ने थाणियां च रुली जांदे ने उन्हां च दीप भी एक आ हुण आपां इह ना होवे वी कल्ले दीप नूं पासे छड्ड दईए कहिंदे हुंदे आ कि जे आपदा मारू सामे सिट्टू जे आपदे बंदे च गलती भी होवे कोई जे तुहानूं लगदा होवे कि उहदे च कोई गलती आ तो उन्होंने अंदर वाड़ के भी समझाया जा सकता हों उदना बाद भी यह गलां नजिठियां जा सकदियां हुंदियां ने पर अज जदों साढ़े घोल दे विच सरकार नूं इह सट मारन दा मौका मिल रहा क्योंकि उन्होंने देखिया कि दफाड़ हो गए अड्डो अड्डी हो गए तो उन्होंने सन ला लेनी है उन्होंने सानू अड्डो फाटी करके आपस में लड़ा के आपस में एक दूजे के खिलाफ असी प्रचार करांगे फिर जदों तो सरकार को सौखा हो जाना साडे अंदोलन को खत्म करने के लिए। सो अज जो समा नहीं है मैं तुहानू पहला भी वार बार मैं बड़िया गल्लां देखो बोलिया गई मेरे खिलाफ भी पर मैं उन्होंने पानी में पी गया मैं बोलिया नहीं पर अज मैं तुहानू बेनती करदा कि आपां सिर्फ ये गल्लां करके कि उन्हें ऐ करता उन्हें वो करता जो हो गया हवा गया पर अज सानू लोड़ है कि कोई भी साडा नौजवान साडा किसान चाहे वह दीप हो चाहे कोई होर हो पुलिस फड़ती है तशद्दुद करती है जेल सिड़ती है वो खिलाफ़ सानू आवाज़ अपनी पूर्ण तौर पर बुलंद करनी चाहिए है वो लामबंदी करनी चाहिए है वो सरकार अगे रखना चाहिए कि गलबात कानूनों पर फिर होगी पहला साढ़े सारे जे किसान फड़े ने नौजवान फड़े ने उन्होंने रिहा किया जाए बिना शर्त तो जोड़े मुकदमे ने उन्होंने खारिज किया उत्थे आपां कई बार ये हुंदा कि कल्ले बंदे नूं छड्ड दईए पासे कि यार हुण सरकार दे अगे वी जो मर्जी करी जा क्योंकि साडी साडा एक भी बयान किसी भी साढ़े नौजवान के खिलाफ दिता होया सरकार नूं इह मौका देगा कि ये लोग पाट चुके ने। सो बार बार मैं तुहानूं एक ही अपील करदा हां अज फिर तुहानूं अपील करना करन दे लई आया कि गल्लां आपां बाद च नबेड़ लांगे कोई गल नहीं समा बथेरा पिया पर एक बारी यह कोई बयानबाजी ना की जाए सारिआं दे लई इक्को ही आवाज़ दे विच आपां गल करिए कि हाँ यार सारे साडे ने सारे पंजाब दे पुत ने पंजाब दी मिट्टी लई पंजाब दीआं फसलां पंजाब दीआं नसलां लई लड़ रहे ने। सो इन्हां नाल साडा कोई गल नहीं हो सकदे ने बखरेवे होणगे मतभेद होणगे वो नबेड़िया जाऊगा कितें मसला पर अज आपां सरकार नूं इह मौका ना दे के। दूजी गल मैं लोकां नूं कहना चाहुंदा कि कोई गल नहीं कदे भी मन दे विच नाराजता नहीं लैके आई दी हुंदी कि फलाना फड़िया गया धिमका फड़िया गया आ होजू आ हो जे सरकारां दे हथकंडे हुंदे ने सरकारां ने लोकां नूं डराउणा किवें आ नाराजता किवें भरनी है घरे बैठा बंदा सोचण लग जांदा फलाना फड़ लिया होवे धिमका फड़ लिया की होऊगा हऊआ बनाया जांदा इक बहुत वड्डा आपां देखिआ ना किवें हऊआ बना के पेश कीता जा रिहा तो वह होए दे विच आपां नहीं आना डर दे विच आपां नहीं आना निराशता दे विच आपां नहीं जाना आपां अंदोलन दे नाल डट के खड़े रहना अंदोलन दे नाल जुड़े रहना वध तो वध वड्डी गिणती दे विच आपां जिड्डा वड्डा इकट्ठ आपां जुटा सकते हैं जिड्डी वड्डी गिणती आपां इकट्ठी कर सकते हैं दिल्ली दे विच वध तो वध बालियां बन्न के मैं तुहानूं अपील करदा कि हुण साडे इकट्ठ ने इस घोल नूं सिरे लाउणा भरावो लड़दे लोगों के संघर्ष करते लोगों के उत्ते जुल्म सरकार कर दिया गई कोई नवी गल नहीं हैगी परचे भी होंगे होंगे गिरफ्तारियां भी होंदिया होंगे ने बड़ा कुछ ही होंगे होंगे सरकार ने क्योंकि सरकार के गढ़ की हड्डी बनया हुआ सा अंदोलन पूरी दुनिया के थू थू हो रही है सरकार की पूरी दुनिया के बुरा हाल होया पाया बदनामी हो रही है
सरकार चाहती है भी किमें ना किमें संदोलन को खदेड़िया जाए सन लाया जाए वो सारे हाथ कंडे उन्होंने अपनाने पर आप पूरी दृढ़ता दे पूरे हौसले के नाल पूरी निडरता दे नाल गलबात का आप मुकाबला करना संघर्ष करना अंदोलन करना डटे रहना एक रहना। सो मैं तुहानू यही बार बार अपील करता कि मौका बार बार नहीं आना, एक बारी असी आपसी फुट करके आपसी गल्लां बातां करके आपसी बयानबाजी करके असी सरकार दे हाथ च मौका दे देंगे तो फिर सरकार ने सानू बख्शना किसी को नहीं भरा, चाहे कोई कामरेड है चाहे कोई सिख है चाहे कोई किसान आगू है तो चाहे कोई नौजवान है चाहे कोई भी है, ये गल का खास ख्याल रखियो। सो मैं यही तुम्हें बेनती करता कि हुण एक होने की लोड़ है, वो बाद देखा है कौन कित्थे की कर गया, वो बाद दीआं गल्लां ने। धन्नवाद, आओ आपां डटे सी डटे रहांगे जितांगे जुड़ांगे लड़ांगे जितांगे तो जित यकीनी है बिल्कुल इत्थे हुण आ बिल्कुल साडे सबर का इम्तिहान आ साडा परख की घड़ी आ, यही तो हुंदा इत्थे तां पता लगता भी किहड़े डोलदे ने ते किहड़े खड़दे ने, ये बिल्कुल वो पीक सिखर आ संघर्ष का। इत्थे सरकार ने सब तो हमला जिहड़ा तकड़ा करना साढ़े ते, पर इत्थे जे आपां डोल रह गए आपां निडरता दे नाल लड़ के संघर्ष करके खड़ गए एकजुट हो गए तो समझ लो सरकार डिगी पई है गोडे टेकी बैठी है सरकार ते कानून रद्द होने होने। तो जे इत्थे पिछे हट गए ना मित्रों इत्थे कोई डर मन च बाड़ लिया कोई निराशता ले आती कोई हौसला तोड़ लिया भी वह की बन गया ऐ हो गया वह हो गया तो याद रखियो थोड़ा खात्मा तय है तुम लेके इतने मेरा भी तुम हथ बन के बेनती करना कोई गल नहीं यार डटे हैं मोर्चे खड़े हैं खड़े रहेंगे आ जाओ मेरा भीर वक्त वक्त जिड़ी वीड्डी गिणती तो दिल्ली लिया सकते हो आओ आप सारे मिलकर इस अंदोलन सिरे लाउणा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।